आंतरिक परजीवी जब पशुओं को प्रभावित करती है तो पशुओं के व्यवहार तथा शरीर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इनसे प्रभावित हैं। ये आप कुछ चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे आपके पशुओं में खाने पीने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, आहार जो होता है वो थोड़ी कमी हो जाती है, साथ साथ उसमें आप एक आम पहचान होती है, अगर पशुओं का पसली आपको बाहर से दिखने लगे तो एक वो भी संभावना जताई जा सकती है कि पशुओं में आंतरिक परजीवी अधिक हैं। पशुएँ समय पर हीट में नहीं आ रही हैं, हमारी जो बच्चा दे चुकी हैं जो गाय या बकरियाँ या सुअर जो हैं वो दोबारा बच्चा देने के बाद नियमित रूप से हीट में नहीं आ रही हैं, तो वो भी एक आंतरिक परजीवी के कारण हो सकता है। अगर आपके छोटे जो कम उम्र के पशुएं हैं उन सबों में देखेंगे कि पतला पैखाना बार बार हो रहा है, दवा देने पर ठीक होने से भी फिर से बार बार हो रही है, तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन है, एक तरह का ये दर्शाता है, लक्षण दर्शाता है कि आपके पशुओं में हो ना हो आंतरिक परजीवी की संख्या अधिक बढ़ रही है, तो आपको वहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई पड़े आप निश्चित तौर पर दूसरे मैंने पशु चिकित्सकों की सलाह से या जो ये जो पशु या नियमित रूप से देते हैं उन सबों से सलाह लेके आप जो उचित आंतरिक परजीवियों को मारने की जो दवा है उसका सेवन करें। किसान भाइयों, इन परजीवी से पशुओं को बचाने के लिए उनके आवास की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, गंदगी की वजह से भी इनमें संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आवाज तो हमेशा ही कहेंगे, ये ठंड के मौसम में विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप चमोकन अगर शरीर से निकाल के कहीं नीचे रख देते हैं तो वो मरता नहीं है, वो काफ़ी दिनों तक भूखे भी जिंदा रह सकता है, कई महीनों तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद जैसे ही उसके सामने कोई होस्ट एनिमल आता है तो उस पर चढ़ के ये पुनः जीवित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने आवाज को हमेशा साफ सुथरा रखें, बीच बीच में आप जो ये कीटनाशक दवाइयाँ जिसका हम बात कर रहे थे, टैक्टिक या मालाथियोन, पाराथियोन या अमितराज, इस तरह के घोल का उपयोग आप अपने आवास को धोने में करें, साथ साथ आसपास में जो खिड़की दरवाजे हैं उन सबों में भी आप इसका छिड़काव नियमित रूप से करते रहें, तो इन सब की संख्या को आप कम कर सकते हैं। आसपास आपके जो आवास है वहाँ पर पानी वगैरह का जमाव ना हो, किसी तरह का उस तरह के कोई गंदे सामग्री न रहें, इसका भी आप ध्यान जरूर रखें। जहाँ पर आपके आस पड़ोस में मक्खी मच्छर ब्रीडिंग कर सकें उनका निश्चित तौर पर ध्यान रखें। पशु आपका साथ तभी तक दे सकता है जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक है, अतः पशुपालक भाइयों के लिए यह अति आवश्यक है कि परजीवी से पशुओं की रक्षा करें ताकि वे उनसे अच्छा उत्पादन ले सकें।